देख कर बॉडी को सामने की तरफ बेंड करके रखो। अभी मैं जा रहा हूँ बाइक को जो है कोल्ड स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बाइक जो है रात भर बाहर ही खड़ी थी। देखते हैं कोल्ड स्टार्ट होता है कि नहीं, और अभी सुबह के 7 हो रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ की तरफ। अभी सुबह के 6:15 हो रहे हैं और टेंट में जो है लाइट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिर रात को ही लाइट चली गई थी और सुबह लाइट रहती है नहीं। तो आपको पहले एक बार बाहर का व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि बाहर का जो व्यू है ना पूरा कातिलाना व्यू है। तो आप एक बार देख लो पहले, उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूँ आपसे। तो यहाँ का जो व्यू है ना कुछ ऐसा है चारों तरफ, और हमारी बाइकें जो है वहाँ पर लगी हुई है। और ये और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या, यहाँ पे एक व्यू और है जो पूरी वाइट चादर, बर्फ़ की पूरी वाइट चादर है पहाड़ पे। तो आप एक बार ये देखो, और रेंज जो है काफ़ी लंबा है। तो इस पॉइंट से लेके वहाँ तक जितना दूर तक नज़र जा रहा ना, ये पूरा वाइट चादर से भरा हुआ है। तो ये व्यू है कुछ। और काफी शांत है ये जगह। नीचे में भी कुछ टेंट है, यहाँ पे भी कुछ टेंट है। अभी मैं जा रहा हूँ बाइक को जो है कोल्ड स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बाइक जो है रात भर बाहर ही खड़ी थी, और वो भी सिर्फ बाइक को कवर करके छोड़ा था हम लोगों ने, क्योंकि कोई शेड नहीं था। तो पहले कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 6 किलोमीटर भी ऊपर जाना है और वहाँ से फिर ट्रैकिंग स्टार्ट है। तो चलते हैं बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कोल्ड स्टार्ट होता है कि नहीं, और अभी सुबह के 7 हो रहे हैं। तो दूसरी बार बंद हुई, तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ की तरफ। और हेलमेट नहीं पहना है, क्योंकि हेलमेट पहनने का मन नहीं था। तो आए हैं तो वेदर का जो है थोड़ा मजा तो बनता ही है। तो फिलहाल अभी चलते हैं और तुंगनाथ में मिलते हैं। और जो व्यू है ना, वो व्यू आप देखो एक बार, मज़ा अलग ही मज़ा है इसका, अलग ही एक कातिलाना नजर मज़ा है इसका। और इस चोपता को मिनी स्विट्ज़रलैंड ऐसे ही नहीं बोलते हैं, रीज़न है उसके पीछे। और वो क्या रीज़न है आप एक बार देख लो पहले। ये है पूरा वैली, सो ये रीज़न है इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलने का। तो दिस इज़ द रीज़न। और ये जो है पूरा और आगे और भी अच्छे व्यू हैं, तो अभी चलते हैं और आगे मिलते हैं। तो ये व्यू यहाँ से कुछ ऐसा है, जितना ऊपर आएंगे उतना व्यू और अच्छा होता जाएगा। तो ये सच में मिनी स्विट्ज़रलैंड है यार। सो ये रहा तुंगनाथ का स्ट्रीट, स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट है, ये गेट पॉइंट है, ठीक है। ऊपर चलो, तो अभी ऊपर चढ़ने में हम लोगों को 3 घंटा लगेगा। और ये तुंगनाथ जो है ना, ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे शिवा टेम्पल है। तो यहाँ पे चल के जाने में 3 घंटे ऊपर, और वापस नीचे आने में 1.5 घंटे। और चढ़ाई जो है काफ़ी खड़ाई है।
तो चढ़ाई जो है काफ़ी ज़्यादा है और अभी हम लोग 10% भी कंप्लीट नहीं किए हैं, तो अभी जो है बहुत ऊपर चलना पड़ेगा, तकरीबन 3 घंटे, और अभी तो शायद 10 या 15 मिनट ही हुए हैं, और 10-15 मिनट में ही जो है ना वो बता रही है हमारी औकात कि तुम्हारी क्या औकात है। तो बात थोड़ा कम करूँगा, ब्लॉग थोड़ा चढ़ने के टाइम पे थोड़ा कम बनाऊँगा, ऊपर पहुँचने के बाद जो है आपको व्यू दिखाऊँगा, लेकिन हाँ रास्ते के बीच बीच में जो है मैं ब्लॉग करूँगा जितना कर पाऊँगा। तो चलते हैं ऊपर की जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं, और सांस भी फूल रही है काफ़ी, जितना कम बात करूँगा उतना मेरे लिए सही है, तो इसलिए बात थोड़ा कम वॉक थोड़ा ज़्यादा। ये रिया जा रही है, मेरा तो हालत ही ख़राब हो गया, लड़की अकेले में क्या स्टैमिना है लड़की में। नहीं नहीं थका नहीं हूँ, चलो तो धृति जो है वहाँ पे वेट कर रही है, और यहाँ पे व्यू कुछ ऐसा है, तो इस नज़ारा काफ़ी बढ़िया यार। और यहाँ पे हम लोग रुके थे फ़ोटो सेशन के लिए, तो फ़ोटो सेशन हो गया, अब आगे के लिए हम लोग बढ़ेंगे। देख कर बॉडी को सामने की तरफ बेंड करके रखो। ये लड़की को शॉर्टकट पे लेके आया हूँ मैं, और अभी इसकी हालत ख़राब हो रखी है। बॉडी सामने, बॉडी बेंड सामने रोका। हाँ आओ आओ आओ, यहाँ पे पैर रखो। तो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, और ये रही, ये पहुँच गई फाइनली, और अभी भी यहाँ से शायद 1 किलोमीटर और बाकी है। तो चढ़ाई देख रहे हो पूरी खड़ी है, तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको ऊपर ही मिलते हैं मैं। तो वो तुंगनाथ मंदिर है, और ये भैया आप साइकिल से आ रहे हैं, कहाँ से? कटक टू केदारनाथ, बद्रीनाथ, जय जगन्नाथ। हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ। एनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और यूट्यूब प्रोफाइल? डीपी प्रधान इंस्टाग्राम, प्लीज़ फॉलो गाइज, डीपी प्रधान इंस्टाग्राम। कटक से केदारनाथ बद्रीनाथ सब साइकिल पे कर रहे हैं, और वो रहा तुंगनाथ, और वो ऊपर एकदम रहा चंद्रशिला। तो हालत ख़राब हो रखी है यार, और ये यहाँ से व्यू है कुछ ऐसा। तो फाइनली तुंगनाथ टेम्पल पहुँच गए, और अभी ऊपर जाएंगे और जाके पूजा करेंगे, और उसके बाद अगर बॉडी में जान बचा तो चंद्रशिला भी जाएंगे। तो ये रहा वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल। जय तुंगनाथ जी। अंदर तो फुटेज अलाउड नहीं है, यू नॉट अलाउड, ठीक है? सो बाहर गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। हमारी पूजा हो गई, दर्शन हो गई, और अभी हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। मैं चंद्रशिला नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि रिया जो है उसका बॉडी परमिट नहीं कर रहा है ऊपर जाने के लिए, तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे। लेकिन हाँ, जाने के नीचे उतरने के पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो शिव टेम्पल है ना, ये वर्ल्ड का हाइएस्ट शिव टेम्पल है, और उससे भी बड़ी बात है ये 12,000 से भी ऊपर की फिट पे है। तो
आपको एक बार मंदिर दिखा देता हूँ, फिर लोग नीचे चलते हैं। तो ये है मंदिर पूरा, और ये रही त्रिशूल, और ये रहा मंदिर। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है आज। चंद्रशिला नहीं जा पाए क्योंकि रिया का जो बॉडी पैर उसका काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, और वो भी और 3 किलोमीटर पूरा स्टीफ ऐसा खड़ाई चढ़ाई था, तो इसीलिए वो ड्रॉप हम लोगों ने किया। और अभी हम लोग वापस आए हैं, तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 के आसपास। तो अभी हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, चेंज करके फिर बाहर थोड़ा बैठेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे और खाएँगे, डिनर करेंगे, और करने के बाद फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे या तो हरिद्वार या तो दिल्ली के लिए। फिर वहाँ से हम लोग का प्लान जो होगा वो अलग होगा, पता नहीं घर वापस या फिर कहीं और का, वो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है। फिर केदारनाथ भी हो सकता है, तो केदारनाथ, अच्छा केदारनाथ रेड अलर्ट हो गया है, पूरा उत्तराखंड रेड अलर्ट हो गया है 3 दिन के लिए। यहाँ की जो इस पूरे जो ये जो पूरा प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी के जो ओनर है उन्होंने बताया कि 3 दिन के लिए केदारनाथ और उत्तराखंड पूरा रेड अलर्ट है बारिश की वजह से। तो होपफुली कि घर अच्छे से पहुँच जाए। तो अभी फिलहाल चेंज करता, चेंज करने के बाद आपसे मिलता है। अभी चोपता में हम लोग डिनर करने के लिए बैठे हैं, तो अभी लगेज जो है मेरा 50-60% तक डन, मैंने सब कुछ समेट लिया है, लेकिन अब लास्ट डिनर बाकी है। डिनर करने के बाद फिर से जाएंगे, जाके लगेज पैक करेंगे, तो सुबह के लिए कोई लेट होना नहीं चाहते हैं। तो आज का जो डिनर है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहले आज के डिनर में मटर पनीर है, 2 अंडे हैं, रोटी है, सैलड है और पापड़ है, और ये राजीव, और ये देखो बूढ़ी औरत जो सबसे ठंड में है। तो फिलहाल भी खाना खाते हैं, और खाना खा के आपसे सीधा टेंट पर मिलते हैं। तो मेरे पैनियर्स और टॉप बॉक्स जो हैं सारे रेडी हो चुके हैं, बस सिर्फ राइडिंग गियर्स जो है वो यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह में इसी को लेके जाना है, और ये बच गया है। अब इसका सोचूं मैं क्या करूँगा, ये एक्चुअली खाने के लिए लाया था टाइम पास के लिए, जो सच है वो दिखा रहा हूँ, कुछ गलत नहीं दिखा रहा हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ टैंक बैग जो है मैं रेडी करूँगा, तो गोप्रो का जो बैटरी है वो चार्ज में है, और बाकी सब जो है ऐसे स्कैटर्ड बिखरा पड़ा हुआ है। तो फिलहाल हेलमेट का सिर्फ और सिर्फ ये और वो चार्ज होगा, इसके अलावा बाकी सब डन है। सो बाकी सब डन है, तो चेहरे पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हम लोगों ने, मैं टोपी पहन रखा था, टोपी खोला हूँ तो ऐसा दिख रहा हूँ। तो फिलहाल व्लॉग कहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। लेकिन जाने के पहले गाइस, प्लीज़ अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो कल मिलते हैं किसी व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।